आइए बात करते हैं गुजरात लायंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच 18 अप्रैल 2017 को राजकोट में हुए आईपीएल मैच की। क्रिस गेल और विराट कोहली की ताबड़तोड़ बैटिंग चल रही थी। क्रिस गेल ने 38 गेंदों में 7 छक्के और 5 चौकों की मदद से 77 रन बनाए, तो वही विराट कोहली ने 50 गेंदों में 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से 64 रन ठोक डाले थे। बेंगलोर की पारी 20 ओवरों में 213 रनों पर समाप्त हुई, जिसमें बेंगलोर ने सिर्फ 2 ही विकेट खोए, जिसमें दोनों ओपनर गेल और कोहली आउट हुए। गुजरात को बेंगलोर की तरफ से काफी लंबा टारगेट मिला था, जिसमें स्मिथ और मैकुलम ने ओपनिंग किया और स्मिथ ने अपना विकेट बस 1 रन पर ही गवा दिया, लेकिन मैकुलम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और वो 44 गेंदों में 72 रन बनाकर आउट हुए। गुजरात लायंस के विकेट गिरते चले गए थे और 7वें नंबर पे बल्लेबाजी करने उतरे अपने बिहारी बॉय ईशान किशन। माहौल काफी ज्यादा प्रेशर वाला था, लेकिन ईशान ने इसका डटकर सामना किया। इसी बीच ईशान ने किसी एक गेंद पर छक्का लगा दिया और वही अगली गेंद बाउंसर थी, जिसे ईशान खेल ना सके, और इसी पे विराट ने उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें अपशब्द तक कह डाला। मैच की अगली गेंद आई जिसपे ईशान ने उस अपशब्द का बदला छक्का लगा कर दिया। मैच के बीच में एक वक्त ऐसा आया जब ईशान किशन की टीम गुजरात लायंस को 12 गेंदों पे 47 रन चाहिए थे और मैच बहुत ही रोमांचक मोड़ पे था। फिर आया मैच का 19वां ओवर, जिसके पहले ही गेंद पर ईशान ने गेंद को हवा में मार दिया और विराट कोहली ने वो कैच बाउंड्री पर छोड़ दिया, जो चौका चली गई। दूसरी गेंद वाइड हुई और उसके अगले गेंद पर ईशान ने अपने बल्ले से फिर से एक चौका उगला और वही उनकी अगली गेंद पर एक भी रन नहीं आ सका। चौथी गेंद पर ईशान ने फिर एक छक्का लगा दिया और उसके बाद वाले स्लो बाउंसर पे वो चूक गए। गेंद चूक जाने पे विराट कोहली ने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन ईशान पर उतारा, जिसमें उन्होंने ईशान को गाली तक दे डाला। इसके बाद इस पूरे मैच में ईशान किशन ने 16 गेंदों पे 4 छक्के और 2 चौकों की मदद से 39 रन ठोक डाले थे और उनके और अभी के टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के लिए यह हमेशा के लिए यादगार मैच रहेगा। हालांकि गुजरात लायंस यह मैच 21 रनों से हार गई, लेकिन ईशान किशन ने इस मैच में विराट कोहली के अपशब्दों का बड़े ही शानदार अंदाज में जवाब दिया और हर एक क्रिकेट प्रेमी के जहन में ये याद हमेशा ताजा रहेगी। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बिहार के निष्पक्ष एवं ताजा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट बिहारी.news को विजिट करें। शुक्रिया।